मैं ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम को लेकर वीडियो बनाया था और इधर एग्जाम ही कैंसिल हो गया। बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरू तुम तो। ये आईपीएल के हर एक मैच के एड में रणवीर सिंह का एड दिखाना करना जरूरी है क्या? परमानेंट हूँ सर। ये आईपीएल महीनों चलने वाला है, इसमें मात्र दो चीज, पहला आईपीएल तो दूसरा रणवीर सिंह एड। ये आईपीएल मैच हो रहा है ना, रणवीर सिंह एड शो चल रहा है। ये जलवा है हमारा, ये आईपीएल है जो बीच में आ जा रहा है। तोबा तोबा तोबा, थोड़ा मूड खराब कर दिया। रणवीर सिंह का सारा एड इतना एडिटेटिंग है कि इसके कारण मेरा दोस्त मुकेश अब न रहा। हम रोज आईपीएल देख रहे हैं, दिन भर में दो मैच भी देख लेते हैं। ये मेरे दोस्त मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है। मैं रोज आईपीएल देखता था, रणवीर सिंह के एड देखने के बाद शायद अब मैं बच न सकूं। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। माय 11 सर्कल पे एक रुपए में टीम बनाओ और रोज एक करोड़ फर्स्ट प्राइज जीतने का मौका पाओ। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। अरे वाह, दिमाग लगाना है तो ड्रीम इलेवन पे लगाना। एक एड में दिमाग फेंक रहे हो तो दूसरे में दिमाग लगाओ ड्रीम इलेवन पे। अरे कहना क्या चाहते हो? आईपीएल एड एड नहीं है, एक्टिंग स्किल सीखने का मस्त प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है। क्यों राहुल सर, पूरा बॉलीवुड ही रा दिए, बोले तो गर्दा उड़ा दिए। आईपीएल एड में रणवीर सिंह बदनाम तो है ही है, अब अक्षय कुमार का नाम भी आ रहा है। ऐसा कुछ हो कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की। तो ऐसा है, मौसम खराब है, संभल के रहो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो। मेरा आवाज से तुमको पता चला होगा कि मेरा तबीयत किस लेवल पे है।